हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जहांगीर कालीन चित्रकार हैं, तो यहाँ पे जहांगीर कालीन चित्रकार देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जहांगीर कालीन मतलब जो इनके चित्रकारों के चित्र, मतलब जो चित्र बनाए हैं, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जहांगीर कालीन के चित्रकार भी सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा अकबर के नहीं पूछे जाते हैं जितना जहांगीर कालीन के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जहांगीर कालीन के हम जो चित्रकार हैं उनके बारे में देखेंगे, और यहाँ पर जो इनके चित्रकार हैं यहाँ पर उनकी जो जो विशेषताएँ हैं उसको मैं जितने भी अकबर हैं और जहांगीर हैं शाहजहाँ, तो तीनों का अंतर मैं करवा दूंगी कि कैसे कैसे इन लोगों में क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो अभी तो हम चित्रकार के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, और फिर इसके बारे में हम जो इनके चित्रकार हैं उनके बारे में देखेंगे जो चित्र बनाई है, पेंटिंग बनाई है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो एक एक करके पहले ध्यान से, ये नहीं कि सिर्फ उतारना है, उतारना नहीं है आपको, सिर्फ ये नहीं कि कॉपी और आपको छाप लेना है, छापना नहीं है, आप उसको समझिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा अबुल हसन, ठीक है, जो पहला हमारा है अबुल हसन। अबुल हसन के बारे में देखते हैं, इनको वंडर ऑफ द एज बोला जाता है, ठीक है। इनको क्या, किसकी उपाधि मिली थी, वंडर ऑफ द एज, और किसने उपाधि दी थी, जहांगीर द्वारा ने इनको उपाधि दी थी, या तो फिर हम बोल सकते हैं नादिर उज जमा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, किस क्या बोलते हैं हम, नादिर उज जमा, ठीक है। अगर हम मंसूर की यही बात करते हैं तो मंसूर का क्या हो जाएगा, नादिर उल अश्र हो जाएगा, ठीक है। जो चीज मैं आपको समझाती जा रही हूँ बिल्कुल आप समझिएगा, ये नहीं कि आपने देखा और उसको कॉपी कर लिया, तो कॉपी मत करिए, आप उसको समझिए, उसके बाद आप उसको नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद आप उसको लर्न करिए, ठीक है। तो यहाँ पर है अबुल हसन, याद रखिएगा, जहांगीर द्वारा इनको नादिर उल अश्र किसको दिया है, यहाँ पर मंसूर को। अगर हम नादिर उज जमा की बात करें तो किसको दिया है, अबुल हसन। और अबुल हसन भी आप जानते हैं कि अबुल हसन आका रिजा का क्या था, पिता, मतलब वो सॉरी पुत्र था, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिता है वो आका रिजा है, ठीक है, अबुल हसन। अबुल हसन क्या थे, आका रिजा का पुत्र था, ठीक है, पिता इनके आका रिजा हो जाएंगे। और आका रिजा भी जहांगीर कालीन के चित्रकार हैं, और आका रिजा कहाँ के चित्रकार हैं, ये ईरानी के हो जाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अबुल हसन हो गया, अभी तो हमने उपाधि की बात करी और मंसूर की उपाधि की बात करी, दोनों बिल्कुल मिक्स मत करिएगा, बिल्कुल अच्छे समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज हो गया है, आपका क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो अबुल हसन को इनको सर्वोत्कृष्ट तथा प्रिय चित्रकार था, किसका चित्रकार था प्रिय चित्रकार, जहांगीर कालीन का चित्रकार था। अगर हम बात करें यही चीज कि अबुल हसन के बाद जो प्रिय चित्रकार था वो कौन सा था, अबुल हसन के बाद, ठीक है, मंसूर हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अबुल हसन की बात करें, और यहाँ से अबुल हसन के पश्चात, यहाँ पर मैंने नोट में भी लिख रखा है कि अबुल हसन के पश्चात जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन सा हो जाएगा, मंसूर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो इनकी विशेषता है, मतलब हर किसी आर्टिस्ट की अपनी कोई ना कोई विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पर है जो ये प्रतीकात्मक चित्रण किया करते थे, कौन किया करते थे, मतलब अबुल हसन, ठीक है, याद रखिएगा, प्रतीकात्मक चित्रण किया करते थे। अगर हम यही इनकी बात करें, मंसूर की बात करें, तो ये पशु चित्रण किया करते थे, ठीक है। सबकी अलग अलग अपनी विशेषता है, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखी है, तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पर दो है हो गए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया है आपका, विशेषता भी इनकी पॉइंट हो गई है, और ये जो आपकी उपाधि है ये वाला भी हो गया है। अगर हम इनकी बात करें जहांगीर, मतलब जो चित्र पर इनका जो प्रभाव पड़ा है वो कौन सा पड़ा है, यूरोपीय प्रभाव पड़ा है। एग्जाम में देखो ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है कि जहांगीर काल में किसका मतलब प्रभाव पड़ा है इनके चित्रों पर, तो आप बता सकते हैं कि यूरोपीय का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर पिता की, तो पिता आपको मैंने बता दिए हैं कि अबुल हसन के पिता कौन थे, आका रिजा थे, ठीक है, ये तो पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मंसूर की, तो मंसूर का भी मैंने आपको बता दिया है कि ये एक, सबसे पहले एक पॉइंट याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि मंसूर एक भारतीय मुस्लिम थे, ठीक है। अगर हम इनकी विशेषता तो मोस्टली सारे स्टूडेंट सभी लोग जानते होंगे कि ये जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, और ये यहाँ पर पशु पक्षियों के चित्र किया करते थे, कौन किया करते थे, मंसूर किया करते थे, ठीक है, या फिर उस्ताद मंसूर, ठीक है, याद रखिएगा,
तो ये चीज आपको पॉइंट क्लियर हो गया, आपके दो यहाँ से भी पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम इनकी बात करते हैं उपाधि की। तो उपाधि की तो आपकी मैंने बात बता दी थी कि वंडर ऑफ द टाइम भी बोल सकते हैं, या नादिर उल अश्र, या फिर युग शिरोमणि, याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज हो गए। यहाँ पर युग का आश्चर्य है और ये युग शिरोमणि है, ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका वंडर ऑफ द टाइम हो गया। और यहाँ पे अबुल के पश्चात प्रसिद्ध चित्रकार, ये भी चीज मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं तीसरा है जो विशन दास है। ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सुनिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये अभी हमने बात करी यहाँ पर विशेषता है, तो विशेषता इनकी क्या हो जाएगी कि ये वो पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के बनाते थे, ये प्रतीकात्मक चित्रण किया करते थे, और ये कौन से किया करते थे विशनदास, ये मतलब क्या कहते हैं जो किया करते थे, ये छवि मतलब जो व्यक्ति चित्र होते हैं उनको बहुत अच्छा सा बनाते थे। ठीक है, तो ये छवि चित्रकारों के लिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मतलब विशेषता पूछ ली जाती है, या फिर पूछ लिया जाता है कि ये किस में निपुण थे, या इनका क्या कार्य था, मतलब किस में आप चित्रण किया करते थे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर छवि चित्रकार ये चीज हो जाएगा। ठीक है, आपका विशनदास भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अकारिजा। अकारिजा जो अबुल हसन के पिता हैं, ठीक है, अकारिजा ये एक ईरानी चित्रकार है, ये चीज मैंने आपको बता दिया था। जो इनको विशेषता थी, ये मतलब इनको क्या बोला जाता था, नकलची चित्रकार। देखो आप भी जानते हैं कि नकल करने के लिए थोड़ी अकल होनी चाहिए ना, तो बहुत सारे यहाँ पर जो लोग हैं मुगल काल में, इनको क्या बोलते थे, नकलची चित्रकार बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आगरा तथा इलाहाबाद के प्रधान चित्रकार थे। पहले ये आगरा के थे, फिर उसके बाद ये कहाँ के हो गए, इलाहाबाद के थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम इनकी पूरी विशेषताओं के बारे में बात करें, तो इन्होंने आगरा में भी बनवाया है, इलाहाबाद में बनवाया है, इवन कश्मीर में भी चित्रशाला बनवाई थी। ठीक है, इलाहाबाद तथा प्रधान चित्रकार थे, कहाँ ये बोल देते हैं चित्रशाला, ये तो लिखा ही नहीं है मैंने। ठीक है, तो बता देती हूँ चित्रशाला के, चलिए तो किसके, जहांगीर कालीन के। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये मत सोचिए कि आपने सिर्फ अकबर का ही जहांगीर, ये मत सोचिए कि जहांगीर ने ही चित्रशाला बनवाई थी, जहांगीर शाला, वो जहांगीर कालीन, शाला बोल रही हूँ, जहांगीर कालीन है, चित्रशाला से जहांगीर शाला हो गया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे दौलत की बात करते हैं। ठीक है, दौलत हो गया, विचित्र हो गया, ये सब है, तो ये जहांगीर कालीन के हैं। दौलत की बात करेंगे यहाँ पे फारूक बेग। ठीक है, तो यहाँ पर जो फारूक बेग है, तो फारूक बेग का शिष्य है कौन, मतलब ये कौन हो जाएगा, ये फारूक बेग के शिष्य हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, दौलत हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद नादिर है, तो मोहम्मद नादिर की देखो अभी तो पेड़ पौधे तथा पुष्प, मतलब ये पेड़ पौधे और पुष्प, पुष्प मतलब जो आप तो जानते होंगे फ्लावर, और ये फूल के बहुत अच्छी चित्रण किया करते थे, कौन किया करते थे, मोहम्मद नादिर। ठीक है, इन दोनों को कंफ्यूज मत होना, मोहम्मद नादिर और मोहम्मद कादिर, मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद। ठीक है, इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये पेड़ पौधे तथा पुष्प का करते थे, मतलब जो इनका जो मोहम्मद नादिर हैं, ठीक है, तो उनको शाहजहां कालीन में प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, वैसे ये एक नॉर्मल चित्रकार थे, क्योंकि अगर पेड़ पौधे के जो बनवाते हैं तो ये इनसे ही बनवा लेते थे, मंसूर से, तो ये मंसूर में भी सिद्धस्थ थे। ठीक है, इसमें वनस्पति में, वनस्पति मतलब वही चीज हो गया आपका पेड़ पौधे। ठीक है, तो यहाँ पर इनको प्रसिद्धि इतनी ज्यादा नहीं मिली थी मोहम्मद नादिर को, तो मोहम्मद नादिर को अगर जो प्रसिद्धि मिली थी, तो फेमस हुए थे, तो वो कहाँ पर हुए थे, शाहजहां कालीन में फेमस हुए थे। ठीक है, ये चीज तो आपका हो गया है। अब हम बात करते हैं उस्ताद सालीवाहन की बात करते हैं। उस्ताद सालीवाहन में ये जहांगीर की कश्मीरी शैली पर आधारित प्रथम कलाकार थे। ठीक है, जो इनकी जहांगीर कालीन की जो कश्मीरी शैली थी, उसके ये एक प्रधान कलाकार थे, कौन, उस्ताद सालीवाहन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मनोहर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनोहर, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मनोहर कौन से कालीन का चित्रकार है, तो आप लोग जानते हैं कि कौन से कालीन का चित्रकार हो जाएगा, जहांगीर कालीन का चित्रकार हो जाएगा। ठीक है, ये किसका पुत्र थे, ये बसावन के पुत्र थे, ये भी याद रखिएगा, सबके पुत्र याद करना, पिता याद करना, जब ये पुत्र है तो बसावन इनके क्या हो जाएंगे, पिता। ठीक है, तो बसावन का पुत्र था, मनोहर था। अब हम इनकी बात करते हैं विशेषता, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिकार के चित्र। अगर हम यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जहांगीर कालीन में अगर सबसे ज्यादा शिकार के दृश्य बने हैं, तो जहांगीर कालीन में बने हैं। आपने अभी अकबर के टाइम में आपने देखा होगा कि अकबर के टाइम में इतने ज्यादा आपको मतलब आखेट के चित्र नहीं दिखेंगे, मतलब शिकार के दृश्य नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जहांगीर कालीन में
मतलब शिकार के दृश्य आपको दिखने मतलब दिखने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पर मनोहर जो है जो शिकार के दृश्य किया करता था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सर्वप्रथम आत्मचित्र। आत्मचित्र मतलब खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्फ पोर्ट्रेट है इन्होंने बनाना शुरू किया था, किसने शुरू किया था, मनोहर ने किया था, ठीक है। रूप अर्धमुख, ठीक है, अर्धमुख मुद्रा में क्या काम किया था, ठीक है, अर्ध मतलब आधा, ठीक है, आधा जो फेस होता है उसमें इन्होंने काम करना शुरू करा था, ठीक है, मतलब आधे फेस में, जैसे कि हाफ जो होता है उसमें, ठीक है, याद रखिएगा। एक चश्म जिसकी हम बात करेंगे, एक चश्म, ठीक है, तो यहाँ पर उसके मुद्रा में उन्होंने काम किया था, ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब हमारे पास तीन पॉइंट बचे हैं, इसमें तो ज्यादा इतना है नहीं। बालचंद्र का जो चित्र है उनके बारे में हम बात करेंगे, बालचंद्र का, ठीक है, तो बालचंद्र अभी नहीं देखेंगे। अब हम बात करते हैं मोहम्मद मुराद की बात करेंगे, ये स्मारक निवासी हैं, ठीक है। अकबर कालीन चित्रकार का जो नाना है, यानी कि जो नाना चित्रकार है अकबर कालीन का, उसका क्या था, ये भतीजा था, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करें विचित्र की बात कर रहे हैं, विचित्र भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो विचित्र की प्रसिद्धि है वो कहाँ मिली है, शाहजहां कालीन में मिली थी, ये भी चीज याद रखिएगा। अब हम बालचंद्र लास्ट है तो हम इसके हम चित्र के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पहले तो सारे स्टूडेंट ये बताइए कि जितना मैंने आपको बताया है उतना समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप, मैं उसको दोबारा भी बता दूंगी, आप कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जहांगीर कालीन है तो साथ साथ में इसको लाइक भी करते जाइएगा, ठीक है, सारे स्टूडेंट लाइक भी करते जाइएगा। अगर हम जहांगीर कालीन का भी चित्रकार पढ़ते हैं, अब यही जो चित्रकार आप यहाँ पर सारे चित्रकार जो देख रहे हैं, अब हम इनके चित्रों के बारे में बात करते हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जहांगीर कालीन के जो चित्रकार हैं, यानी कि क्योंकि यहाँ पर इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि अकबर ने सबसे ज्यादा प्रकृति के चित्र बनवाए हैं और या फिर सभी को महत्व दिया है, लेकिन इतने ज्यादा सर्वोत्कृष्ट चित्र नहीं बन पाए थे अकबर कालीन में। लेकिन आप जहांगीर कालीन में देखेंगे तो जहांगीर कालीन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सर्वोत्कृष्ट और बहुत ही उत्तम यहाँ पर जो चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जहांगीर हो गया है आपके आर्टिस्ट, ठीक है। तो इसीलिए मैंने दोनों को हॉशपॉश नहीं करा है, एक बार पहले आप आर्टिस्ट याद करेंगे, आर्टिस्ट की उनकी विशेषताएं याद करेंगे, ये क्या क्या है, कैसे चित्र बनाते थे, इसके बारे में आप फिर उसके चित्र देखेंगे, ठीक है। तो याद करने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप उसको ऐसे ही लर्न करिए, ठीक है। तो ये तो आपका एक पेज में, आई थिंक एक पेज को आप उसको हॉरिजॉन्टल में करिएगा और हॉरिजॉन्टल में इसको नोट करिएगा, ठीक है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है, तो आपका ये स्क्रीनशॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करेंगे, जहांगीर कालीन के, किसकी बात करेंगे यहाँ पे, जहांगीर कालीन के चित्रों की बात करते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जहांगीर कालीन चित्र। देखो अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जहांगीर कालीन के चित्रकार पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं जहांगीर कालीन के चित्र, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनके जो चित्रकारों के चित्र हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से यहाँ के क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो चित्रकला का स्वर्ण युग माना गया है वो जहांगीर काल को ही माना गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जहांगीर काल का, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अबुल हसन की बात करेंगे, ठीक है। तो जहांगीर का सिंहासन रोहर, ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो जहांगीर, देखो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बताऊंगी तो एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा और उसको मैं बताऊंगी कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक वीडियो वॉच करिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जहांगीर का सिंहासन रोहर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये चीज सुन लीजिए कि जहांगीर का सिंहासन रोहर, ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं, हो जाते हैं, सिंहासन रोहर, ठीक है। जो सिंहासन रोहर है तो इसका ये जो चित्र बनाया है वो जहांगीर नामा जो ग्रंथ है, ठीक है, जहांगीर नामा तुझे के जहांगीर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख्य पृष्ठ है यानी कि पेज कवर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मुख्य पृष्ठ पेज कवर की बात कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पेज कवर में जो जहांगीर का सिंहासन रोहर है तो वहां पर उस पर जो पेज कवर बनाया है उस पर ये चित्र बनाया है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बैलगाड़ी है जो पीली, यानी कि जो इसका बैकग्राउंड है, यानी कि जो इसका
धरातल है वो कैसा है, येलो कलर का है, ठीक है। इसको जहांगीर ने 1000 स्वर्ण मुद्रा दी थी इस चित्र पर, ठीक है। किसके चित्र पर? अबुल हसन, ठीक है, याद रखिएगा अबुल हसन का, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, चिनार वृक्ष पर गिलहरियां, इसको बनाया था अबुल हसन और मंसूर दोनों ने ही मिलकर बनाया था। अबुल हसन, आप देखे हैं कि अबुल हसन कैसे चित्र करते हैं, प्रतीकात्मक करते थे। मंसूर कैसे करते थे? वनस्पति और कैसे करते थे, मतलब जीव जंतुओं के बनाते थे, पशु पक्षी, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपने दोनों देख लिए ये चीज़ दोनों, ठीक है। इस लेकिन यहाँ पर मंसूर ने क्या किया है, वनस्पति पर ज़्यादा इस पर ध्यान दिया है। कौन सी चित्र पर? चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अबुल हसन ने यहाँ पर जो आपको जीव जंतु और पशु दिख जाएंगे, जो गिलहरी और ये सब जो बनाया है वो अबुल हसन ने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही लोग ने मिलकर बनाया है, ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादातर इन्होंने ज़्यादा वनस्पति मतलब पेड़ पौधे वाले ज़्यादा बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला भी। देखो जो जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कि आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो मैं तो इसको आपको इसलिए ऐसे करके लिखवा रही हूँ कि ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे, लर्न करने में आसानी रहे। नहीं तो मुझे क्या है, मैं तो आपसे पूछ लूँ कि चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ किसका चित्र है, ठीक है, आपसे पूछ लूँ, आप लोग तुरंत बता देंगे, ठीक है। मैं पूछ लूँ कि कहते हैं नूरजहाँ की छवि कौन से संग्रहालय में है, तुरंत बता देंगे। तो मैं चीज़ों को ना मैटर को आपको हौच पौच नहीं करना चाहती हूँ, अगर सब मिक्स कर दिया तो मुझे नहीं लगता है कि आप उसको अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल सीक्वेंस में इसको रिवीजन करिए और अच्छे से रिवीजन करिए कि ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं एक एक करके चल रही हूँ कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर दो पॉइंट हो गए, एक मतलब जहांगीर का सिंहासन आरोहण हो गया है और दूसरा चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ हो गया है और रोमन सागर का देवता नेपच्यून, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, बहुत बार एग्जाम में आता है, रोमन सागर का देवता नेपच्यून है, बहुत बार आता है और आप भी जानते हैं किसका है, अबुल हसन का। अब हम बात करते हैं जहांगीर मैडोना का चित्र, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुत। अबुल हसन के ज़्यादातर यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाए जाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए हैं या फिर जहांगीर होल्डिंग ए पिक्चर ऑफ मैडोना, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये किसका चित्र हो जाएगा? अबुल हसन का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर संग्रहालय पूछता है तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है। अभी यहाँ पर इतने संग्रहालय यहाँ पर ये है, सिर्फ एक का यहाँ पर दिया है जहांगीर मैडोना का चित्र पकड़े हुए, ठीक है। तो ये चीज़ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है, याद करिएगा। मैं जैसे जैसे बताती जा रही हूँ उसको लर्न भी दिमाग में फीड भी करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शाह शेख दौलत का व्यक्ति चित्र, ये इतना ठीक ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर शाह अब्बास से भेंट करते जहांगीर, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है। तो शाह अब्बास से भेंट करते जहांगीर है, इसको नोट कर लीजिए। या फिर गरीबी को नष्ट करते जहांगीर, या फिर गोला पकड़े जहांगीर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोला पकड़े जहांगीर है, ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी याद करिएगा। गोला पकड़े जो मैं बता रही हूँ उसको तो बिल्कुल एकदम माइंड में फीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गोला पकड़े जहांगीर है, इसको याद करिएगा। जहांगीर की छवि है, ठीक है, जो हाथ में क्या लिए हुए हैं, फूल लिए हुए हैं। एक तो अभी आपने देखा कि मैडोना का चित्र पकड़े हुए, और एक आपने देखा यहाँ पे जहांगीर की छवि जो क्या पकड़े हुए हैं, फूल पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोनों ही अलग अलग हैं, याद रखिएगा, मतलब कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जहांगीर मैडोना का एक चित्र पकड़े हुए हैं और यहाँ पर एक है जहांगीर की छवि है जो हाथ में फूल लिए हुए हैं, और ये कौन से संग्रहालय में है? मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में है, ठीक है, याद रखिएगा। मलिक अंबर को मारते जहांगीर, ये भी ठीक ठीक है, ज़्यादा नहीं है। जन समूह के सम्मुख शेख शादी का स्वागत करते जहांगीर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको बताया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको तो बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिएगा और दिमाग से बिल्कुल निकलने मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा जो अबुल हसन के हैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अबुल हसन हो गया और यहाँ पर मंसूर हो गया, दो एक ऐसे जो आर्टिस्ट हैं जो इनके बारे में बार बार एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। एक विशन दास का है,
विशन दास भी बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नूर जहाँ की छवि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये लोग जो लोग एग्जाम दे चुके होंगे वो लोग तो जानते होंगे कि वहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो फ्रेशर हैं उनके लिए बता रही हूँ कि ये वाला तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नूर जहाँ की छवि, इसे भारतीय सुंदरी के नाम से भी जानते हैं, या फिर उसको बोल सकते हैं मोनालिसा, ठीक है, भारतीय मोनालिसा, ठीक है। तो नूर जहाँ की छवि, तो ये चीज़ हो जाएगा आपका मुगल काल का ये सर्वश्रेष्ठ छवि चित्र बना है। जो नूरजहां का छवि है वो मुगल काल का छवि चित्र, यानी कि जो पोर्ट्रेट अभी तक बने हैं मुगल काल में पूरे ओवरऑल की बात कर रहा है, तो नूरजहां का छवि चित्र सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ चित्र हो जाएगा। ये भी चीज पॉइंट क्लियर करिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर संग्रहालय की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि विशन मतलब नूरजहां का छवि चित्र किसने बनाया है, तो आप बता सकते हैं विशन दास ने बनाया है। अगर पूछ लिया जाता है कि भारतीय सुंदरी का किसने चित्र बनाया है, या फिर पूछ लिया जाता है भारतीय सुंदरी का कौन से संग्रहालय में है, तो आप बता सकते हैं भारत कला भवन वाराणसी में है, ठीक है। ये चीज़ पॉइंट क्लियर आपका हो गया होगा। अब हम बात करेंगे शाह अब्बास की छवि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी, बहुत बार एग्जाम में ये वाला भी पूछा जाता है, शाह अब्बास की छवि, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, बोस्टन संग्रहालय है, तो बोस्टन संग्रहालय जल्दी से कमेंट करके बताइए कहाँ पर है, बहुत बार अभी लिखवाया अभी था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए, शेख सूफी संत हो जाएगा, तो शेख सूफी संत है, ये भी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। भारत कला भवन वाराणसी में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो भारत कला भवन वाराणसी, देखो यहाँ पर है, तो नूरजहां की छवि आपको मिल जाएगी भारत कला भवन वाराणसी में मिल जाएगी, और शेख सूफी संत का भी भारत कला भवन वाराणसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन शाह अब्बास की कहाँ पर है, बोस्टन संग्रहालय में है, ठीक है। मुगल सिंहासन के जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र बनाया था, किसने बनाया था, विशन दास, ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। तो ये चीज आपके दो पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मंसूर, ठीक है, ये दो तीन तो बिल्कुल आप इसको रट लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मंसूर है, मंसूर है लाल फूलों की बहार है, जो पीली पृष्ठभूमि पर, ये भी पीली पृष्ठभूमि पर बना था, और बैलगाड़ी भी पीली पृष्ठभूमि पर बना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये ठीक ठीक है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर जो टर्की कॉक है या तुर्की मुर्गा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिएगा, तुर्की मुर्गा है या फिर टर्की कॉक है, तो इसको यहाँ पर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ये किसने बनाया है, तो आप समझ ही होंगे कि वनस्पतिक और पशु पक्षियों के चित्र करता था, तो विशन दास है, विशन दास जो फेमस था वो सभी चित्रों के लिए था, ठीक है, याद रखिएगा। अबुल हसन हो गया तो प्रतीकात्मक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ हो गया। तो चीनी तोता है, ये भी ठीक ठीक है, ज़्यादा नहीं है। मोरनी है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ पर है, लुब्र संग्रहालय पेरिस में है, ठीक है। नील गाय है, तो नील गाय भी ठीक ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। जेब्रा, जेब्रा भी है इम्पोर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि जेब्रा किसका चित्र है, तो बता सकते हैं मंसूर का हो जाएगा। बाज है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल दिमाग में फीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बाज को यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर संग्रहालय है, तो बाज का ये नहीं कि सिर्फ एक ही संग्रहालय में है, सवाई मानसिंह के है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय में है, राष्ट्रीय संग्रहालय सब लोग जानते हैं दिल्ली में है, कलकत्ता संग्रहालय, ठीक है, सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर, ये वाला सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सवाई मानसिंह संग्रहालय में कौन सा चित्र है, या फिर बाज कहाँ का कौन से संग्रहालय में है, तो ये वाला संग्रहालय जरूर लिखा जाता है, सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर, ठीक है। तो ये तीनों चीज आप याद कर लीजिएगा। अगर हम दूसरा नाम बात करें इसी चित्र का, हम दूसरे नाम की अगर हम बात करते हैं, बाज की चित्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाज पक्षी विश्राम अड्डे पर, ठीक है, याद रखिएगा, विश्राम मतलब बाज पक्षी विश्राम अड्डे पर, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। साइबेरिया का बिरला साहस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जंगली स्ट्रॉबेरीज हैं, ये ठीक ठीक है, ज्यादा नहीं है। पादरी एवं पक्षी, ये भी ठीक है। यहाँ पर किंग, किंग वल्चर एंड ग्रिफिन, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है, पादरी एवं पक्षी,
तो किंग वल्चर एंड ग्रिफिन है, तो इसको याद करिएगा। ये तीन आपके पॉइंट क्लियर हो गए हैं तो उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके और बता दीजिए कि जितना मैंने समझाया है समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, या फिर दोबारा पढ़ाया जाए, बताइए। दोबारा कहेंगे तो दोबारा पढ़ा देंगे लेकिन आपका सिलेबस रह जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जितना भी है आपका स्थापत्य भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। बस आप पेशेंस रखिए, बहुत लोग स्टूडेंट को बहुत जल्दबाजी रहती है, जल्दबाजी ना करें, ठीक है। जल्दबाजी में आपका ही नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जल्दबाजी ना करे, बिल्कुल आराम आराम से पढ़े और अच्छे से पढ़े। देखो कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए कि जितना आपने पढ़ा है उतना आप एग्जाम करने के लिए कैपेबल हो। ये नहीं कि आपने बिल्कुल सब कुछ पढ़ लिया है। बहुत स्टूडेंट को मैं देखती हूँ, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो नए नए मैटर इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ऐसे बिल्कुल भी ना करिए, अगर नए नए मैटर इकट्ठा करने में लग जाएंगे तो ऐसा तो पता नहीं एग्जाम में क्या क्या आ जाता है, तो आप बिल्कुल रह जाएंगे। कम से कम उतना करिए जितना आपने आपका सिलेबस है उतना तो आप उसको लर्न करिए, ठीक है। तो बाकी सिलेबस से जो भी अगर आएंगे ना एक दो क्वेश्चन, अगर आपने इतना ही पढ़ लिया होगा तो आप चार ऑप्शन में अपने आप ही टिक लगा ले जाएंगे क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मोहम्मद नादिर की बात करते हैं, नरगिस का पुष्प है, तो जो नरगिस का पुष्प है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। जो मोहम्मद नादिर का है प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम में है, ठीक है, ये चीज़ याद करिए। इनका तो एक ही चित्र है तो आप याद कर सकते हैं मोहम्मद नादिर का, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मनोहर की, मनोहर की बात करेंगे यहाँ पर, शेर का शिकार करते जहांगीर, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, शेर का शिकार करते जहांगीर है, ठीक है। तो प्रथम प्रति है जो मास्को संग्रहालय रूस में है, जो प्रथम प्रति जो उसकी शेर का शिकार करते जहांगीर है, जो प्रथम प्रति है। तो सारे स्टूडेंट ये भी बताइए कि मनोहर किसके लिए जाने जाते हैं, माने मतलब किसके लिए प्रसिद्धि है, जल्दी बताइए। मास्को संग्रहालय रूस में हो जाएगा। दूसरी प्रति की अगर बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो इनका दूसरा चित्र है मनोहर का, वो कौन सा हो जाएगा, काला हिरण है, वो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विचित्र की, ठीक है, विचित्र की बात करेंगे, जो किसका चित्र है यहाँ पर, प्रथम बिंब छाया चित्र है, ठीक है, यहाँ पर ये छाया चित्र बनाते थे प्रथम बिंब, जो अभी तक मुगल में किसी ने नहीं बनाया था, ठीक है। यहाँ पे प्रथम बिंब जो मुगल ने बनाया है वो छाया चित्र अभी तक किसी ने बनाया है, आपको किसने देखने को मिल जाएगा, विचित्र को भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। इनका एक ही पिक्चर है तो आप याद कर लीजिएगा। अकारीजा है, ठीक है, तो यहाँ पर इनके ग्रंथ देखने को मिल जाएंगे, दो ग्रंथ हैं जो इलाहाबाद में इन्होंने लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इलाहाबाद में संग्रहित हैं, तो यहाँ पर देखिए वो इलाहाबाद में संग्रहित कह रही हूँ, इलाहाबाद में यहाँ पे, क्योंकि इलाहाबाद में क्या था इनका, जहांगीर का क्या था, जहांगीर का चित्रशाला थी, ठीक है, इलाहाबाद था और एक कश्मीर था और एक तीसरा आपका आगरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राजकंवर है, चेस्टर बिट्टी संग्रहालय में हो जाएगा। अमीर नजमुद्दीन हसन है, जो मतलब सॉरी पूरा है अमीर नजमुद्दीन हसन देलवी की गज़ल एवं रुबैया, ठीक है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, वॉल्टर संग्रहालय पेरिस में हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सारे स्टूडेंट ये बता दीजिए कि हाँ कि आपको जितना मैं पढ़ाती हूँ समझ में आता है या नहीं आता है, और ये भी बता दीजिएगा अगर आपको कोई भी चैप्टर से प्रॉब्लम है तो भी आप बता दीजिए कि ये चैप्टर नहीं समझ में आता है। देखो अगर लोगों को कन्फ्यूज़न है पहाड़ी और किस में, राजस्थानी में, तो बिल्कुल मैं ऐसा करा दूंगी आपको कि बिल्कुल एकदम माइंड से आपके बाहर नहीं जाएगा। बहुत लोग का मैंने सुना है कि पहाड़ी और राजस्थानी को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी, दो चैप्टर बिल्कुल साथ में लेके चलूंगी कि ताकि आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिल्कुल एकदम आप, बस ये है कि सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट यही है, अगर देखो रेगुलरिटी बनाएंगे तभी आपका है। देखो चाहे तो मुझे भी अगर टाइम पास करना होता तो क्या कहते हैं आपको क्या करती, यहाँ पे पूछ लेती कि हाँ बताओ इसका ये किसका चित्र है, ये किसका चित्र है, ये किसका चित्र है। मैं चाहती हूँ कि आपका बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी उसके, आपको एकदम फ्री में आपको पूरा सिलेबस मिल जाए, और वो भी आपका ऐसा सिलेबस नहीं होगा, आपका एकदम ऐसा सिलेबस होगा कि अगर आपने इतना ही जितना मैं पढ़ाती हूँ अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो वॉच करी है और उसको लर्न किया है अच्छे से, तो मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है तो आप टॉप 10 में आपका नंबर आ सकता है। बस ये है कि आपको लर्न करना है, आप लर्न करिए, इससे बाहर बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मुश्किल से अगर कोई भी क्वेश्चन, देखो बाहर जाते आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी बुक्स पढ़ लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन पढ़ाई की सीमा आप, लेकिन उतना आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, पूरा
पक्का याद करिए, तभी आप जो उसमें 4-5 क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं तो आप उसमें बिल्कुल टिक लगाने के लिए बहुत अच्छे से आसानी, क्योंकि देखो तुक्का वही लगा सकता है जिसका थोड़ा सा नॉलेज हो, ठीक है। ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे तुम्हारे तुक्के बिल्कुल ठीक जाते हैं, ये नहीं, तो ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल एकदम ज़्यादा पढ़ता है उनके ही सही चले जाते हैं। अब ये नहीं कि बिल्कुल सारे ही सही चले जाएं, 4-5 क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन उसको आप पढ़िए, ठीक है। अगर मान लो इतने ही चित्र आपने पूरी पिक्चर्स याद कर ली है, अगर कोई सभी नई पिक्चर्स दे देते हैं कोई सभी, तो आप यूं ही लगा ले जाएंगे, क्योंकि आपने इसे कम से कम 4-5 बार पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि इसका तो होगा नहीं, इसका तो होगा नहीं, इसका तो होगा नहीं, ये तो पढ़ा ही है, तो आप बहुत आराम से ले लेंगे आंसर, ठीक है। और बाकी फिर 10:30 मिलते हैं, ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट, मैं तो जब कहती हूँ तभी स्टूडेंट लाइक करते हैं, ठीक है। लाइक और शेयर और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।